तारीख 26 नवंबर 2021 को सुबह 8 बजे से विद्युत लोकोशेड अजनी के मुख्य द्वार पर विद्युत लोकोशेड अजनी के रोड के डांबरीकरण का कार्य शीघ्र किया जाए। टीआरएस अजनी के रेल आवासों का टीआरएस पूल बैलेंसिंग शीघ्र किया जाए। इन उपरोक्त मांगों के लिए विद्युत लोकोशेड के तथा अन्य सभी कर्मचारियों ने मंडल अध्यक्ष देवाशीष भट्टाचार्य इनके मार्गदर्शन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की गई। पिछले एक साल से मांग करने पर भी इस रास्ते का काम नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को काफी त्रासदी हो रही है। इतना ही नहीं, अनेक दुर्घटनाएं यहां पर हुई हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी निर्माण हो रही है। इस वक्त सभी पदाधिकारी व विद्युत लोको शेड के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित थे। आज कम से कम एक साल हो गया है इस रोड की समस्या के लिए। बाजू में जो मधेपुरा का जो हमारा शेड बन रहा है उसके लिए काम चालू करने के पहले हमारा यह स्टेट रोड था, ये बंद करा के उन्होंने ये रोड चालू किया। पर वो रोड की स्थिति ऐसी हो गई है, वह ना साइकिल से जा सकते हैं, ना गाड़ी से, ना पैदल जा सकते हैं। और महिलाएं जो है यहाँ से कम से कम पाँच या छः महिलाओं को कमर का प्रॉब्लम हो गया है। गाड़ी चलाने से वो जो है उनकी रीढ़ की हड्डी है उनमें प्रॉब्लम हो गया है। जेंट्स का भी वही हाल है। और 25 से 26 तो यहाँ एक्सीडेंट हो गए हैं हॉस्पिटल में, यानी हर एक दो दिन के बाद में कोई ना कोई जाता है। और यहाँ ओवरऑल 24 घंटे की ड्यूटी है, 4-12, 12-8 ये चलते रहता है। और 12-8 में तो कम से कम यहाँ लाइट भी नहीं रहती है। वो लाइट नहीं रहने के कारण यानी बहुत से लोग यहाँ एक्सीडेंट हो गया उनका। और ये जब तक ये बोलते हैं कि नहीं हम कर देंगे आंदोलन पीछे लो, नहीं, जब तक उनकी टीम यहाँ आती नहीं, काम चालू नहीं होता, हमारी टीम यहाँ से हटेंगी नहीं। इस शेड में लगभग जो है 750-800 वर्कर काम करते हैं। इसमें जो है 125 के लगभग महिलाएं काम करती है। यहाँ तीनों शिफ्ट में काम होता है, 4-12, 12-8 तीनों शिफ्ट में। ये रोड की जो कंडीशन है इसमें अभी तक 20 से 22 लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई लोगों के जो है हाथ फ्रैक्चर हुए, कई लोगों को जो है पूरा जो फेस जो है वो पूरा गिरने के कारण ये हो गया। हम क्या किसी की अनहोनी की इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद में रोड बनाएंगे? क्या इस रोड की जो कीमत है वो किसी व्यक्ति के या किसी कर्मचारी के जान से ज़्यादा है? क्या हम उसका इंतजार करें? और इसीलिए हमने बोले, हमने इस बारे में बार बार प्रशासन को जो है पिछले फरवरी माह से, फरवरी 2021 से कंटिन्यू इस इशू को हम चेस कर रहे हैं। ये कॉलोनी की जो खस्ता हालत है, इसके जो रास्ते हैं और रास्ते में जो दुर्घटनाएँ हो रही है, इनके आने जाने के लिए शेड का जो रास्ता बहुत अच्छा था उसको इन्होंने शेड के लिए ले लिया है, ऑक्यूपाई किया है। लेकिन वो रास्ता लेने अपने अंडर में लेने के पहले इसको रास्ते को ठीक ठाक करना था आने जाने के लिए, वो नहीं किया। और इसमें दुर्घटनाएं हो रही है, एक वर्ष से हम लोग बातचीत कर रहे हैं लेकिन उस पर कोई निर्णायक भूमिका प्रशासन की ओर से नहीं आ रही है। तो इसलिए हमको धरने का नोटिस देने के पश्चात भी कोई बातचीत नहीं हुई। आखिर में भूख हड़ताल का सहारा लेकर हम बैठे हैं और कर्मचारी का पूर्ण सहयोग हमारे साथ है, उनका विश्वास हमारे साथ है। उस विश्वास को हम नहीं तोड़ेंगे और अपने कार्य को बिल्कुल अंजाम देंगे और रास्ते का काम चालू कराएंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने अधिकारियों से बात किया है, अधिकारियों की हमेशा की तरह वही जो उनका रहता है कि हम कर लेंगे। लेकिन अभी हमारे जो कर्मचारियों उनके बीच में चूँकि हमें जवाब देना पड़ता है, इसलिए हम इस पे कि हमारे सामने काम आप शुरू कर दीजिए, जब काम शुरू हो जाएगा हम अपना जो आंदोलन है उसको अभी हम स्थगित करेंगे। हमने उन्हें मौका दिया है, अगर वो काम शुरू करते हैं तो हम फिर अपना कार्यक्रम स्थगित करके उनका साथ ये करेंगे, अगर नहीं तो हमारा ये कर्मी का जो है अपना भूख हड़ताल जो है इसको हम कर्मी करेंगे, कंटिन्यू हमारा भूख हड़ताल चालू रहेगा।